अधिकतर किराना व्यापार क्यों हो जाते हैं फेल? किराना स्टोर खोलने से पहले आपको पता होनी चाहिए ये तीन कॉमन प्रॉब्लम्स। अधिकतर लोग बड़े से बड़ा निवेश करते हैं, अच्छी लोकेशन पर दुकान खोलते हैं, बड़ी शॉप लेते हैं, प्रमोशन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका किराना व्यापार फेल हो जाता है, या जितनी सफल होने की उम्मीद होती है उतना सफल नहीं हो पाता। किसी भी किराना व्यापार के असफल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तीन ऐसे कारण जो किसी भी बिजनेस का अधिकतर नुकसान ही करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो तीन कारण। टाइमिंग ऑफ वर्क। किराना दुकान के खुलने का सही समय होता है सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक का। कुछ इलाकों में कोई ना कोई ऐसी दुकान होती है जो सुबह 5 बजे से सुबह के 6 बजे तक खुल जाती है, वहीं रात में 11 बजे तक खुली रहती है। ऐसे दुकानदारों को पता होता है कि जिन ग्राहकों को सुबह चाय के लिए दूध चाहिए या फिर कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, वो ना चाहते हुए भी आपकी दुकान पर ही आएंगे, और ऐसा करके उनका अपना एक ग्राहक ग्रुप बन जाता है जो प्रतिदिन उस दुकान पर जाते हैं, सामान लेकर चले आते हैं। वहीं कुछ कुछ जगहों पर ये भी देखा जाता है कि दुकान खुलने का सही समय नहीं है, ना ही बंद होने का कोई निश्चित समय है। ऐसे में ग्राहक भी उन दुकानों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब जरूरत है सामान खरीदने की तो दुकानदार ही गायब है या फिर दुकान बंद है। याद रखें, अधिकतर किराना बिजनेस अनुशासन के कारण ही सफल होते हैं, और जो भी अनुशासन से भटका उसका बिजनेस फेल हो जाता है। इसलिए यदि आप किराना व्यापारी हैं या फिर किराना व्यापार खोलने का सोच रहे हैं, तो अपने अंदर समय का सदुपयोग करने की आदत को जन्म दें, साथ ही अनुशासित बने। ध्यान दें, नो वीक ऑफ एंड नो रेस्ट डे, यानी कि सफल किराना व्यापारी बनना है तो आपके लिए आराम हराम है, ये वचन याद रखना होगा। या फिर आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने बिजनेस से जोड़कर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मार्जिन एन एक्सपायरी ऑफ डेयरी एंड ब्रेड्स। आपको बता दें कि किराना बिजनेस में 20-25% सेल डेयरी प्रोडक्ट्स और ब्रेड की होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 लीटर मिल्क में केवल 1 रुपए का मार्जिन होता है, मतलब अगर आप 1 लीटर दूध बेचते हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपए का मार्जिन मुनाफा मिलेगा। इसी के आसपास मार्जिन होता है छाछ में और ब्रेड में। इसके बावजूद मिल्क को या अन्य डेयरी प्रोडक्ट को मेंटेन करने में आपको एक रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेटर चलाने में इलेक्ट्रिक बिल, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, ये भी साथ साथ मेंटेन करना होता है। आपको बता दें कि अधिकतर लोग फ्रेश मिल्क लेना ही पसंद करते हैं, यानी मिल्क की एक्सपायरी डे सिर्फ एक ही दिन है। लेकिन हाँ, मिल्क एंड ब्रेड के अलावा भी कस्टमर और भी सामान ले जाते हैं जिसे हम अपने मार्जिन को कवर कर सकते हैं। उधारी की प्रॉब्लम। कभी भी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें उधारी का लेना देना ना हो। खासकर किराना व्यापारी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने ग्राहकों को उधारी देना बंद कर दें। हालांकि बहुत से लोग ये ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश से उनके वर्षों पुराने ग्राहक भी टूट जाते हैं। छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में तो लोग अधिकतर अपने अपने नाम से खाता खुलवा लेते हैं, जिससे उनके घर पर कोई भी सामान कोई भी व्यक्ति आकर ले जाए उसके बारे में उनके खाते में दर्ज हो जाता है और महीने में एक बार आकर पेमेंट कर देते हैं। वहीं बहुत सारे लोग 5 से 6 महीने तक का भी दुकानदार का पैसा फंसाए रखते हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे ऐसा कहकर दुकानदार को इग्नोर करते रहते हैं। यह समझने वाली बात यह है कि ग्राहक को तो आप उधार दे सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने अपनी दुकान में सामान रिफिल करना है, हर 15 दिन में कोई ना कोई प्रोडक्ट लाना है जिससे दुकान में सभी तरह की वैरायटी हो सके। ऐसे में उधारी के कारण या पैसा फंसा होने के कारण स्टॉक मैनेज करने में काफी दिक्कत होती है। नोट, ऐसे में आपको उधारी की लिमिट डिसाइड करनी होगी। जैसे आप अगर गांव या कस्बे में हैं, तो 2000 तक की ही उधारी देंगे, अगर आप शहर में हैं, तो 5000 तक की उधारी देंगे, इससे ऊपर की उधारी मना है। आप हिसाब किताब को नोटबुक से हटाकर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करें, जिससे आप आसानी से अपने ग्राहकों को रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके लिए आप ओके क्रेडिट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके क्रेडिट ऐसे ही बिजनेसमैन के लिए है, ऐसे ही व्यापार के लिए है जहां उधारी अधिक रहती है और ग्राहकों से जुड़े रहना भी जरूरी है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने ग्राहकों को सीधे उनके व्हाट्सएप पर पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं, साथ ही अपने हिसाब का लेखा जोखा इसी ऐप पर कर सकते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर अकाउंट फिक्स कर दें, तो साथ में ये भी फिक्स करें कि 1 महीने से ज्यादा की उधारी नहीं देंगे, यानी पहले 1 महीने का उधार वापस करो, उसके बाद नए महीने का उधार शुरू करो। ऐसे में आपका पैसा अधिक महीनों तक अटका नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ वो प्रॉब्लम शेयर की है जो बहुत कॉमन है, जिनकी वजह से अधिकतर किराना व्यापारी परेशान रहते हैं या फिर किराना व्यापार फेल हो जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। किराना व्यापार से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।